हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फरुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्रिप्शन की कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। दिस वीडियो इज अ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो ऑफ आर रोस्टिंग वीडियो एंड वीडियो नेम इज पाकिस्तानी रोडीज वर्सेस इंडियन रोडीज, नेहा डूपिया वकार जका हिंदुस्तानी बाहू, टेकन फ्रॉम द चैनल सम्राट भाई। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और उसमें मेरा रिएक्शन। ग्राम पे पूछा था कि मैं वकार जाका पे वीडियो बनाऊं या फिर इंडियन रोडीज पे, और आप लोगों ने उसका आंसर एमपी इलेक्शन जैसा दिया। नहीं मतलब आधे लोग कह रहे हैं वकार पे बना दो, आधे लोग कह रहे हैं इंडियन रोडीज पे बना दो। भाई अगर चुनाव का नतीजा देना है ना तो दिल्ली जैसा दे दिया करो। बट कोई नहीं, इससे ये समझ में आ गया कि हमारी ऑडियंस का टेस्ट एक जैसा नहीं है। दे वांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, इसलिए रियल फेस का एपिसोड 30 आने वाला है आपके फेवरेट ब्लॉगर के ऊपर। खैर, जैसा कि पोल में 50-50% हुआ है, तो जी हां, आज इस वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे पाकिस्तानी रोडीज यानी कि वकार भाई के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन रोडीज में कंट्रोवर्सी के फाइनल वर्ड्स के बारे में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज बहुत 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 मजा आने वाला। तो चलो भाई, चलो भाई देखो अपने क्या है। पहले अपन बात करते हैं इंडियन रोडीज के बटे निरोध के नतीजे पाकिस्तानी रोडीज यानी कि चैंपियन शो के बारे में। पाकिस्तान के अनजाने सेलिब्रिटी वकार जाका। अब जो लोग वकार भाई को नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, कोई भी नहीं जानता है, तुम नहीं जानते हो तो यू आर नॉट स्पेशल ग्रुप। वकार भाई पाकिस्तान के एक सेलिब्रिटी है, ठीक उसी तरीके की जिस तरीके का निखिल हमारे इंडिया का सेलिब्रिटी है। कौन जानता है तुम लोग को, तुम लोग की मां वकार भाई आजकल सोशल मीडिया पे इंडिया को गाली देते रहते हैं। बट हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन। सो इसीलिए हम सिर्फ इनके शो के बारे में बात करेंगे। तो सीरियस मत होना, और हट तो तुम हो गई नहीं। तो चलो अब आते हैं इनके शो के ऊपर। अब इस शो में वकार भाई दुनिया भर के लोकल एसन कमल हसन को बुलाते हैं और उनसे नाना प्रकार के डेयर करवाते हैं। पाकिस्तान अब इतना ही नहीं, इस शो में पाकिस्तान के एक से एक इंटरटेनर आते हैं। क्यों होना चाहते हैं इस शो में? सर मैं एक इंटरटेनर हूँ जो कुछ लोगों को इस तरीके से इंटरटेन करते हैं। अबू भाई नाले में गिर गए, अरे नुकसान हो गया। सुनील पाल कब गया भैया पाकिस्तान ऑडिशन देने यार? और वकार भाई एज यूजुअल अपनी तरह लोगों से होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज करवाते हैं, और इस तरीके की कुतिया एक्टिविटी और आगे चल के सेलिब्रिटी बनेंगे और पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर से लोग इनके फैंस बनेंगे। इस शो को बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि वो लोग जो समझते हैं कि उनकी दुनिया फैन बन सकती है, दुनिया उनके लिए तालियां बजाएगी, सिर्फ वो आएंगे। देखो कुछ लोग सुअर पालते हैं, कुछ लोग घोड़ा पालते हैं, कुछ लोग गधे पालते हैं, बट हमारे वकार भाई पालते हैं गलत फहमियां। लाइक वो खुद को सेलिब्रिटी समझते हैं जी, अगर लफड़ा है तो एक नंबर, और साथ ही साथ ये समझते हैं कि इस तरीके के लोग सेलिब्रिटी बन जाएंगे। वकार भाई पहले खुद बन जाओ, मुंह से तुम्हारे पापड़ टूट नहीं रहा, उसे अखरोट तोड़ने की बातें कर रहे हो। तो चलिए अब अपन चलते हैं इनके शो के ऑडिशन के ऊपर। तो कितना स्टेमिना है आपने? स्टेमिना वकार भाई, दोबारा पब्लिक का प्यार चाहिए क्या? इतना स्टेमिना है जिंदगी में कैसे पूछ? खड़ी है हाथ ऊपर, ओ हाथ उठाने की बोल रहा है, मुझे लगा टांग। अब भाई ऑफिशियली तो यही कहते हैं कि ये शो डेयरिंग शो नहीं है। डेयर शो नहीं है भाई, ये तो आप डेयर शो तो है ही नहीं, बट हमेशा की तरह हर दो मिनट में किसी ना किसी को एक नया डेयर दे ही देते हैं। चुपकली को मुंह से लगा लो, फोटो से लगा इसको, फोटो से हटेगा तो आप आउट। सांप को नाक से डाल के गप से निकाल लो। इसमें वकार भाई की गलती नहीं है, ये पड़ोसियों की संगत का असर है, क्योंकि तुम लोग इधर कोई ना कोई चिंग चौंग चौंग कोई ना कोई घर में घुसे रहते हैं। अब देखो सीधी सिंपल बात की जाए तो इस शो में कोई खासियत तो है नहीं, फिर भी ये पाकिस्तान के बड़े शोज में आता है। इस शो का विनिंग प्राइस है 1 करोड़ तक। तुम लोगों का टोटल बजट कितना है? देखो इन सिंपल वर्ड वकार भाई को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कभी कभी ये बहुत ज्यादा इंसानियत दिखा देते हैं। ये शो जो है तो बहुत छोटा है आपके लिए यार, आप तो ऑलरेडी बहुत हिम्मत वाले हो। नहीं लेकिन शो में आना मेरा शौक है बचपन से। वो वैसे ही बड़ी हिम्मत वाले हैं, इधर आओ। मैं तो बड़ा खुश हो गया कि तुम अपना काम करते हो यहाँ तक आए हो, और कभी कभी ऐसे चुटिया पे दिखाते हैं कि अंदर से आवाज आती है। चुटिया का लफड़ा है तो एक नंबर। अब वकार भाई के लिए ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, बस सिंपल वर्ड में उनको डिफाइन करना चाहूंगा। अगर पाकिस्तान इंसान है तो वकार भाई बाबा सीर है। बाय बाय टाटा
गुड बाय। गया, अब अपन चलते हैं हमारे इंडियन रोडीज के ऊपर। गया, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि प्लीज मुझे बताएं कि ये बंदा है कौन। क्या कान मार लिए तुम लोग ने? अच्छा ऐसे ही कान मारते हो? चुनप्पा चुनप्पा, अरे भाई रियल नेम बता देते हो उसका। खैर मैंने पता कर लिया कि इसका नाम है निखिल, सरनेम में अभी भी कंफर्म नहीं हूं। और ये एक ऐसा सेलिब्रिटी जो सेलिब्रिटी के नाम पे एक मजाक ही है। नहीं सच में, ये सड़े हुए गोबर का सूखा हुआ अंडा सिर्फ कहने के लिए सेलिब्रिटी है, बाकी इससे अगर जान पहचान या फिर फिल्म क्लास का मॉनिटर रखता है। कुत्ता पहचानते हैं तुम लोग को ये देश में? अभी शो में इसने जो हरकत करी वो जाहिर सी बात है स्क्रिप्टेड होगी, बट आई थिंक ये बॉलीवुड में वरुण धवन का फैन होगा और यूट्यूब में हर्ष बेनीवाल का। क्या बात है, वेरी नाइस, ऑसम, एक्सीलेंट। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उसमें मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से, जो कि आप कह लें इसमें पाकिस्तानी रोडीज़ और इंडियन रोडीज़ को मतलब डिस्क्राइब किया है बड़े अच्छे अंदाज के साथ, मज़ेदार तरीके के साथ। और मैं पहले पाकिस्तानी वकार जका के मतलब जो शो है उसके हवाले से बताता चलूँ कि जो है आजकल उनके शो में क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या तो कुछ झलकियाँ तो उन्होंने दिखा दी गई हैं इसके अंदर। और जो उनका शो है वो पहले कुछ और नाम से होता था, अब चैम्पियन नाम से काफ़ी सालों के बाद आया है और वो कर रहे हैं। और बाकायदा इस बार जो उसके ऑडिशंस वगैरह हो रहे थे तो मुझे पता नहीं चल सका था कि कब हो गए, मुझे भी ऑडिशन देने जाना था उस शो के लिए, क्योंकि मैं भी चेक करना चाह रहा था डायरेक्ट वकार जका से मतलब कि वो किस किस तरीके से सवाल पूछता है, क्या करता है और क्या क्या मतलब चीज़ें जो लोगों के साथ होती हैं। वो एक्सपीरियंस मेरी बड़ी करने की ख्वाहिश हो रही थी, लेकिन बस किस्मत ने साथ नहीं दिया तो मुझे पता नहीं चल सका था ऑडिशन कब हो गए। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट ऑडिशन कभी होंगे तो शायद मैं ट्राई करूं। लेकिन वकार जका से मैं मिल चुका हूं एक बार। और जो कि अब हम बात करें आपसे इंडियन रोडीज़ के हवाले से, जो कि आप कह लें कि उसके जो ऑडिशन चल रहे हैं, जो कि आप कह लें नेहा धूपिया और जो बाकी सारी चीज़ें बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, तो हर किसी की लाइफ होती है, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। तो नेहा धूपिया का जो ओपिनियन है और चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही तो उससे डिसअग्री लोग कर सकते हैं, लेकिन यही वाली बात जैसे इस वीडियो में बताई गई कि उनकी फैमिली को और उनकी बेटी को और बाकी सारे लोगों को मतलब साथ में घसीटें और जो कि उनको भी मतलब गालियां ना दें, बुरा भला ना कहें, क्योंकि ज़ाहिर हर किसी की लाइफ है, हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है और जो कि हर कोई मतलब एक जो कि अपनी ओपिनियन रखता है। और इससे शो के बारे में और रोडीज़ के बारे में बताऊं, जैसे अभी रोडीज़ रेवोल्यूशन जो चल रहा है उसके सारे ऑडिशन मैं देख रहा हूं अब तक, और चैम्पियंस शो जो अभी मैंने देखना स्टार्ट नहीं किया है, मैं पूरा मतलब जमा कर रहा हूं काफ़ी हद तक, काफ़ी सारा रिलीज़ हो जाए, एपिसोड इकट्ठे हो जाए, फिर मैं काफ़ी सारा या पूरा एक साथ ही सीज़न देखूंगा ताकि मुझे भी बड़ी जस्तजू है। काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने देख ली हैं चलते फिरते इस तरह से, लेकिन जो शुरू से एंड तक मैं तब देखूंगा जब पूरा ख़त्म हो जाएगा या फिर अभी कुछ टाइम के बाद थोड़े और एपिसोड आ जाएँ ताकि देखने में मज़ा ज़्यादा आएगा फिर। और ये जो रोडीज़ है ये तो रेवोल्यूशन मैं साथ साथ देख रहा हूँ ताकि जो है
जो कि मुझे भी अपडेट मिलती रहे कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर इंडियन में, और जो कि आप कह रहे हैं कि जैसे कि इंडियन रोडीज़ है इसके अंदर जो ऑडिशन हो रहे हैं तो उसमें मैं जैसे देख रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी लोगों को वो सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर काबिल लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कि काबिल से मुराद किसी ना किसी कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई चैम्पियन है, कोई फ़लाँ चीज़ का विनर है, कोई है वो है, और ऑडिशन भी उनका कर रहे हैं और ऑडिशन दिखा भी उनका रहे हैं और सिलेक्ट भी उनको कर रहे हैं। तो मतलब एक तरह से वो दिखाना चाह रहे हैं कि जो अपने अच्छा अच्छा और अच्छाई वाला पहलू दिखा रहे हैं कि इंडिया में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं। और मतलब आप कह रहे हैं इस तरह ये है कि इन चीज़ों से डिग्रियां लोगों के पास हैं, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई किस चीज़ का चैंपियन है, कोई किसी ने कुछ मेडल लिया हुआ है, तो ये सब चीज़ों का आप लोग आगे लेकर अगर आ रहे हैं तो ये लोग तो पहले से फेमस हैं, इन लोगों ने तो मतलब पहले से अपनी लाइफ में कुछ किया हुआ है, तो न्यू लोगों को लाना चाहिए इनको, जो बिल्कुल ज़ीरो है, जिसने कुछ नहीं किया लाइफ में और वो कुछ करना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा जुनून होता है, ज़्यादा पैशन होता है। ये लोग तो पहले से ही सब जीत चुके हैं और सब कुछ कर चुके हैं, इन लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है। और जो कि आपका जितने भी अब तक लोग सिलेक्ट हुए सारे तकरीबन ऐसे ही हुए जिन्होंने कुछ ना कुछ बड़ा से बड़ा कदम स्टेप या कुछ ना कुछ इस तरह से किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ सही नहीं लग रहा, क्योंकि नॉर्मल लोगों को भी लेना चाहिए ताकि जो है फिर वो ज़रा अच्छा से ज़रा परफॉर्म करते हैं जुनून और पैशन वाला। और दोनों शो जो है इंडियन भी अपनी जगह सही है, पाकिस्तानी भी सही है। पाकिस्तानी जो है वकार जगह जब शो होस्ट कर रहा होता है तो वो काफ़ी हाइपर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और गाली गलौज भी उतर आता है, जो कि एक तरह से आप कह लें काफ़ी हद तक सही नहीं लगता, क्योंकि ज़ाहिर लोग जो है बहुत जज्बाती भी होते हैं, आजकल जो अवाम है पब्लिक है तो वो ज़ाहिर फिर रोना धोना बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो इस तरह का नहीं करना चाहिए एक तरह से कि अगर इंटरव्यू लेना है तो ज़रूरी नहीं है कि जो है गाली गलौज और इस तरह से सब चीज़ें की जाएँ और फिर जो है फिर ऑडिशन लिया जाए और फिर बंदा उसमें सेलेक्ट किया जाए। तो बस ये कुछ चीज़ें थोड़ी बुरी हैं, लेकिन ओवरऑल शो तो मतलब होता है ज़बरदस्त किस्म का, लोगों को एंटरटेनमेंट फराहम करने का, और लोग देखते हैं, इंजॉय करते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तानी हो। और मज़ा है सम्राट भाई की वीडियो देखकर, बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है इन्होंने, अपने हिसाब से एक चीज़ को डिस्क्राइब किया दिखाया जो कि काफ़ी कमाल की, और मैं काफ़ी गौर से और ध्यान से इनकी वीडियो देख रहा था और सुन रहा था कि चीज़ को, काफ़ी इंटरटेनिंग भी थी और मज़ा आया, इसे देख के मैंने इन्जॉय किया। और जो कि आप कह रहे हैं कि इंटरटेनिंग किस्म की इनकी वीडियोज़ होती हैं, जितनी भी आप उनको देख के भरपूर इन्जॉय कर सकते हैं, बड़े अच्छे अंदाज के साथ बनाते हैं, देख के मज़ा ही आ जाता है। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यूज़ वीडियो के हवाले से। इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू शेयर विद मी, आई विल बी एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर योर प्रीशियस ओपिनियंस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।